हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर नॉलेज। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको SAP Sybase का जो डेटाबेस है, मतलब SAP Sybase है, उसके बेसिक थोड़े बहुत कमांड बताए थे कि जनरली आप अगर SAP बेसिस कंसल्टेंट हो तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको अगर शुरू करना है तो कैसे करते, तो ये सब बेसिक ऑपरेशंस के कमांड्स मैंने बताए थे कि वर्जन कैसे देख सकते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे है, बूट टाइमिंग देखना है, कितने डेटाबेस अवेलेबल है, क्या क्या ड्राइव्स पे वो कॉन्फ़िगर्ड है, डिस्क स्पेस क्या है, ये सब आप उसमें देख सकते हो। आज मैं जो ये सेकंड वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा सबसे पहले कि इसमें अब तो कितने लॉगिन आईडी अवेलेबल है। मतलब जैसे कि हमारी हर सिस्टम में कैसा रहता है कि हम यूज़र अवेलेबल रहते हैं, गेस्ट यूज़र है, एडमिन यूज़र है, या यूज़र आईडी बनाए हुए, ऐसे हर डेटाबेस का भी एक यूज़र आईडी रहता है कि उसको फुल एडमिन एक्सेस वाले आईडी है या हाफ है या कौन से बेसिक अवेलेबल है, उस तरीके के मतलब कितने प्री डिफाइंड आईडी यूज़र जब इंस्टॉल होता है डेटाबेस तो अवेलेबल है वो बताऊँगा। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि जो भी आईडी है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, मतलब कि उसमें कौन से रोल असाइंड है, उसका पासवर्ड लास्ट में कब चेंज हुआ था, या पासवर्ड की मिनिमम लेंथ क्या है, जो भी है उसका स्टेटस क्या है, मतलब आईडी लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, उसको डिफ़ॉल्ट डेटाबेस कौन सा है वो बताऊंगा। और तीसरा मैं ये बताऊँगा कि जो भी आईडी है उसका पासवर्ड कैसे रिसेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बेसिक और बहुत ईजी टास्क है जो मैं आपको आज सिखाऊँगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लॉगिन करेंगे नॉर्मल, कल जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से, कि पहले इसका कमांड है ISQL, उसके बाद इधर हाइफन देना है, हाइफन के बाद हमें S देना है, S मतलब सिस्टम आईडी, उसके बाद हमें हमारा सिस्टम का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें U करना है, मीन्स यूज़र नेम। और अभी हम लॉगिन करेंगे ऐसे आईडी से, क्योंकि जनरली SAP ऐसे दो आईडी रहते हैं, लेकिन ऐसे आईडी है उसमें सारे राइट्स रहते हैं, SAP ऐसे आईडी में बहुत लिमिटेड राइट्स रहते हैं, मतलब कि उसमें आपकी जो सिस्टम आईडी है वो उसका डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, तो अगर वो उसका डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है तो उसमें उसी जो डेटाबेस के रिलेटेड चेंजेस करने की परमिशन होती है, ठीक है। तो अभी हम लॉगिन करेंगे ऐसे से, और यहाँ पर हाइफन W 2000, उसके बाद एंटर करेंगे। अभी मैं पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। अभी हम लॉगिन हो गए। अभी लॉगिन होते ही पहले जैसे मैंने बताया था कि कोई भी डेटाबेस में डिफॉल्ट डेटाबेस क्या है लोड होता है, अगर वो देखना है तो सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट स्पेस DB अंडरस्कोर नेम, हमें पता चलेगा डिफॉल्ट DB अभी कौन सा है हमारा, अभी हम डिफॉल्ट DB हमारा मास्टर है, ठीक है, मतलब हमें मास्टर आईडी से लॉगिन। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये भी आईडी की आपकी इन्फॉर्मेशन अगर देखनी है तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, कोई भी आईडी की SP, इसका फिक्स कमांड है आप नोट कर लीजिएगा, SP अंडरस्कोर डिस्प्ले डिस्प्ले लॉगिन, ठीक है, गो करिए, देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई सारे। अभी SP डिस्प्ले लॉगिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कमांड, और रिमेंबर भी हो सकता है, याद भी कर सकते हैं। इसका SUID 1 है, इसका लॉगिन नेम ये है, फुल नेम इसका ये दूसरा रहेगा, डिफॉल्ट डेटाबेस का मास्टर है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इसकी क्या है वो सब तो आपको कॉमन है, ऑटो लॉगिन ब्रोकर, अभी जो मैंने बताया था रोल्स वगैरह कि ये आईडी से क्या क्या आप कर सकते हो, तो इस आईडी में ऐसे अंडरस्कोर रोल असाइंड है, SSO रोल के ऑपरेशन असाइंड है, OPER रोल असाइंड है, साइबेस, मतलब ये सारे रोल प्री डिफाइंड रहते हैं जो साइबेस डेटाबेस इंस्टॉल होते ही रहते हैं। उसके बाद इसका स्टेटस है लॉक्ड, अगर ये स्टेटस यस होता इसका मतलब हम ये आईडी से अगर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आईडी लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं, इसका पासवर्ड कब चेंज हुआ है लास्ट टाइम, इसमें एक्सपायरेशन का कुछ है या मिनिमम, जो भी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक कमांड से ले सकते हैं। और दूसरा कि कोई भी यूज़र कमांड करने के बाद अगर हम पीछे स्पेस करके अगर आईडी मेंशन करेंगे तो हमें पर्टिकुलर आईडी की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, इसमें अगर नहीं करेंगे तो जो करंट लॉगिन है उसी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि अभी हमने एंटर किया था तो हमने ऐसे आईडी से लॉगिन किया तो ऐसे का इन्फॉर्मेशन मिला। अभी यहाँ पे मानो कि मैं आईडी मेंशन कर रहा हूँ SAP SA, ठीक है, पोर्ट क्लोज्ड गो, तो अभी हमें इस आईडी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी जैसे डिफॉल्ट DB इस आईडी का मास्टर था,
इस आईडी का क्या है, डिफॉल्ट भी डेटाबेस SAP टूल्स, ठीक है। अभी इसमें भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसको रोल कौन सा है। देखिए मैंने जैसे बताया ना कि इसमें थोड़े ज़्यादा रोल रहते हैं, मतलब एडमिन टाइप का अकाउंट है, क्योंकि SSO रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें काफ़ी सारे ऑथोराइजेशन दिए जाते हैं। उसके बाद इसका डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज है, पासवर्ड एक्सपायरेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे आप कोई भी आईडी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपको ये भी रहेगा कि कोई भी आईडी, मतलब अगर हमें ये देखना है कि कितने आईडी अवेलेबल है, वो देखने के लिए क्या करना है, वो देखने के लिए सबसे पहले आपको करना है sp_help, एक एक कमांड नोट करिए, हेल्प यूजर, उसके बाद गो। देखिए अभी आपके डेटाबेस में इतने लॉगिन अवेलेबल है, ठीक है। DBO ये यूजर नेम है और ये लॉगिन नेम है, मतलब यूजर नेम मतलब आपका जो यूजर लॉगिन होने के बाद जो नेम रहता है वो है जो डेटाबेस में आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन लॉगिन करना है तो आपको ये आईडी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको लॉगिन करना है ऐसे आईडी से, तो फिर आप अगर वहां पे DBO मेंशन करोगे तो लॉगिन नहीं होगा, आपको ऐसे आईडी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये लगेगा आपको कि आपने तो ये बताया था कि काफी सारे लॉगिन आईडी, तो SAP का इधर नाम क्यों नहीं है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल लॉगिन, मल्टीपल डेटाबेस रहते हैं। अभी आप डेटाबेस देखिए sp_help_db_go, ठीक है। ये देखिए आपको बहुत सारे डेटाबेस मिले, ये है, मास्टर है, मॉडल है, ऐसे। तो हर डेटाबेस के खुद के अलग अलग आईडी रहते हैं। ये मास्टर मॉडल, ये अभी जो हम जिस डेटाबेस में थे वो डेटाबेस था SAP, वो डेटाबेस था मास्टर। तो ये जो आईडी आएंगे आपको वो मास्टर डेटाबेस के आएंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि अभी हम डेटाबेस चेंज करेंगे यूज, ठीक है। इसके बाद अगर हम SAP नहीं, दूसरा मानो के ले रहे हम SAP टूल्स ले रहे, ठीक है। पहले आपको चेक कर लो कौन सा डेटाबेस है, सिलेक्ट DB @name closed। अभी हमारा डेटाबेस है मास्टर, अभी हम चेंज करेंगे इसको SAP टूल्स में, ठीक है। अभी गो करेंगे, अभी आप चेक करिए स्टेटस, डेटाबेस हमारा कौन सा है, SAP टूल्स, ठीक है। अभी वो हम चेक करेंगे यूजर आईडी, देखिए आपको डिफरेंस लगेगा। इसमें देखिए कितने आईडी थे, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए आपको 3 आईडी मिलेंगे। मतलब जैसे जैसे डेटाबेस आपका चेंज होगा वैसे वैसे आपके आईडी की भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर आप दूसरा और कोई डेटाबेस लेंगे, जैसे कि अभी मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी हम दूसरा डेटाबेस लेंगे, ठीक है। अभी इसमें आप देखिए अभी हमारा डेटाबेस चेंज हो गया, अभी हम इसमें देखेंगे, देखिए इसमें और 3 आपको मिलेंगे। मतलब आप जैसे जैसे आप आईडी ऐड करोगे उस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये था कि डेटाबेस में आईडी कैसे देखते हैं, कितने आईडी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बताया था मैंने कि कोई भी आईडी की इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, तो वो कोई भी आईडी की इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आईडी का पासवर्ड रिसेट करना है तो कैसे करते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम पासवर्ड रिसेट करेंगे SAP SA आईडी का, ठीक है। सबसे पहले हम इधर एग्जिट हो जाएंगे, अभी हम लॉगिन करेंगे SAP SA। इस बार मैंने जैसे कल आपको बताया था कि आप यहाँ से भी लॉगिन का पासवर्ड डाल सकते हैं, हाइफन कीजिए P मतलब पासवर्ड। अभी आपको इधर पासवर्ड डालना है, ये अभी आपको दिखेगा, ठीक है। अभी आप एंटर करेंगे तो सीधा एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी SAP SA आईडी का पासवर्ड है SAP 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी इसका पासवर्ड हमें चेंज करना है, तो अभी पहले ये आईडी से हमें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस आईडी में वो पासवर्ड चेंज के ऑथोराइजेशन नहीं है। ऐसे आईडी जो रहता है उसमें सारे राइट्स रहते हैं। तो सबसे अगर आपको वो एरर भी देखनी है तो भी मैं बता ही देता हूँ आपको, sp_password। अभी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। आपको ओल्ड पासवर्ड लिखना है, उसके बाद कोड, उसके बाद आपको नया पासवर्ड डालना है। नया पासवर्ड हम डालेंगे QAZ 1 2 3 4 5, ठीक है।
उसके बाद आपको आईडी मेंशन करना है कि कौन सा आईडी के लिए, मतलब इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, एसपी अंडरस्कोर पासवर्ड, उसके बाद करंट पासवर्ड, उसके बाद नया पासवर्ड और लास्ट में रहेगा आईडी, ठीक है। तो आईडी मेंशन करना है, हम करेंगे गो। देखिए ये पासवर्ड हो गया, ठीक है, पासवर्ड करेक्टली सेट। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि इस आईडी में अगर एसएसओ रोल के राइट्स होंगे तो ये कैपेबिलिटी है कि ये आप सेट कर सकते हो। अभी हम एग्जिट हो जाएंगे। अभी एग्जिट होने के बाद अभी देखिए आप इस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, हम फिर से एंटर करेंगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने पासवर्ड बदल दिया है। अभी आप पासवर्ड चेंज करके ये पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा। क्या पासवर्ड हमने एंटर किया था वहाँ पे, कैपिटल क्यू ए जेड 1 2 3 4 5। अभी देखिए हो गया। तो ऐसे आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, मतलब जैसे ही आप पासवर्ड, अभी फिर से हम वही पासवर्ड करेंगे एस पी अंडरस्कोर पासवर्ड, उसके बाद करंट पासवर्ड रहेगा, उसके बाद आपको नया पासवर्ड डालना है, उसके बाद इधर आपको एंड आईडी मेंशन करना है, ओके, आपका पासवर्ड रिसेट हो गया। तो ऐसे आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो डेटाबेस है, डिफॉल्ट डेटाबेस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने लॉगिन किया था, सबसे पहले हमारा डेटाबेस था एसएपी टूल्स आईडी। अगर हम ऐसे आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट डेटाबेस मास्टर है। अगर हम एसएपी ऐसे आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट डेटाबेस एसएपी टूल्स है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको उसका डिफॉल्ट डेटाबेस चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी डिफॉल्ट डेटाबेस के लिए एक सिंपल और कमांड है एसपी अंडरस्कोर लुक, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है ताकि आपको पता रहे, एसपी अंडरस्कोर डिस्प्ले लॉगिन, ठीक है, इसमें आप गो करेंगे। तो अभी हमारा आईडी क्या है, लॉगिन आईडी एसएपी एसए, और डिफॉल्ट डेटाबेस क्या है, एसएपी टूल्स। मतलब कि जब भी आप इस आईडी से लॉगिन करोगे तो सबसे पहले जो लोड होने वाला डेटाबेस है वो है एसएपी टूल्स, ठीक है। वैसे बाद में आप, मैंने जैसे बताया कि यू एस यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डिफॉल्ट चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हो, उसका मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको करना है एसपी अंडरस्कोर एमओ डी आई एफ आई लॉगिन मॉडिफाई लॉगिन, उसके बाद आपको आईडी मेंशन करना है, ठीक है, एस ए पी एस ए, ये आईडी के लिए करना है। इसके बाद हमें इधर कोड देना, डिफॉल्ट डेटाबेस के लिए कमांडेड पैरामीटर है डी ई एफ डी बी कोवर क्लोज, उसके बाद आपको जो डिफॉल्ट डेटाबेस कौन सा देना है, जैसे कि हमारे मास्टर है, एस ए पी टूल्स है, टेम्प डी बी है, बहुत सारे, ठीक है। अभी हम करेंगे मास्टर करेंगे कोट एम ए एस टी ई आर, ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे, हो गया डिफॉल्ट डेटाबेस चेंज। अभी आप देखिए एस पी अंडरस्कोर पी आई एस डिस्प्ले लॉगिन, हमने स्पेलिंग में शायद कुछ मिस्टेक कर दिया, डिस्प्ले लॉगिन। अभी देखिए डिफॉल्ट डेटाबेस कौन सा है, मास्टर, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, सी एल ई सी टी सिलेक्ट डी बी अंडरस्कोर नेम, उसके बाद ये वाला, उसके बाद वो देखिए काफी डेटाबेस है एस एफ पी टूल्स, ठीक है। अब करंट अभी एस एफ पी टूल्स में, क्योंकि हमने लॉगिन किया था तो हम कौन से डेटाबेस में थे, डिफॉल्ट एस एफ पी टूल्स में, तो इसीलिए हम एस एफ पी टूल्स में, लेकिन अभी इस आईडी का डिफॉल्ट डेटाबेस हो गया है मास्टर, ठीक है। फिर से हम उसको बदल के एस एफ पी टूल्स करेंगे, तो फिर से आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, एस पी अंडरस्कोर एम ओ डी आई एफ आई एल ओ जी आई एम मॉडिफाई लॉगिन, सबसे पहले आएगा हमारा आई डी एस ए पी एस ए, उसके बाद कोड पैरामीटर डी ई एफ डी बी पैरामीटर क्लोज्ड, उसके बाद आएगा एस ए पी टी डबल ओ एल एस टूल्स, उसके बाद क्लोज्ड और गो। हमने शायद कुछ स्पेलिंग में, हाँ हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए आप, हो गया, अभी आप देखिए एस पी अंडरस्कोर डिस्प्ले लॉगिन, डिस्प्ले लॉगिन गो,
आपका डिफॉल्ट डीबी ऐसे भी टूल्स होगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट डेटाबेस कैसे चेंज करते हैं। अभी जो मैं इस वीडियो का लास्ट में आपको बताऊंगा कोई भी आईडी को लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं। लॉक और अनलॉक मतलब कैसे कि देखिए, जैसे अभी आईडी का स्टेटस क्या है, लॉक्ड है या नहीं, नो है, मतलब कि अगर ये आईडी का स्टेटस यस आता है तो आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते। अभी हम किस आईडी में है, लॉगिन SAP SM में। ठीक है, अभी सबसे पहले हम एग्जिट हो जाएंगे, सब एग्जिट हो जाएंगे EXIT। ठीक है, अभी हम जाएंगे ISQL-S, उसके बाद UA, उसके बाद हम इधर डालेंगे -W 2000, इधर हम पासवर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हमें लॉगिन करना है, लॉक करना है SAP SA ID को। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है SP_lock login। ठीक है, LOCK LONG, उसके बाद लॉक लॉगिन के बाद हमें करना है आईडी, इधर मेंशन करना है कौन सा, SAP SA port। उसके बाद इधर हमें अभी लॉक्ड है, अनलॉक्ड है तो अभी हमें करना है लॉक, तो यहाँ लिखना है LOCK। ठीक है, एंटर, आपका अकाउंट लॉक। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा ये आईडी कौन सा था, SP display login, लॉगिन नेम था SAP SA, स्टेटस था लॉक्ड यस और नो, नो था। ठीक है, अभी आप देखिए SP_display login और इधर हमें मेंशन करना है आईडी की डिटेल। अगर बाय डिफॉल्ट आप नहीं करोगे तो जिस आईडी से लॉगिन हो उसी की डिटेल बताएगा। इधर आपको स्टेटस दिखेगा लॉक्ड, आ गया मैसेज यस, और वो भी बताएगा कब हुआ है डेटा व्हेन लॉक्ड, टाइमिंग भी देखा, रीजन भी देगा आपको कि क्यों हुआ है या कैसे हुआ या रॉन्ग अटेम्प्ट थे, पासवर्ड गलत डाला था और कौन सा आईडी से हुआ है वो भी दिखाएगा आपको, सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अभी उस आईडी से हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखते हैं क्या एरर देता है। ISQL-S U SAP SA, ठीक है, W 2000, इधर हम पासवर्ड डालेंगे। देखिए एरर आ गया आपको, एरर नंबर मैसेज नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, MSG 4002। ये आप अगर इंटरनेट पे या साइबेस की बुक में देखोगे तो आपको तीन चीज़ें दिखाई देगी, ये एरर तीन सिचुएशन में आ सकती है, या तो आपने पासवर्ड गलत डाला है, या तो आपने आईडी लॉक किया हुआ है, या तो किसी ने आईडी को आईडी को रॉन्ग अटेम्प्ट डाल के पासवर्ड अनलॉक कर दिया, तो ये तीन सिचुएशन होती है। अभी जैसे कि आपको शायद अगर ऐसा होगा कि मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ तो मैं इधर भी आपको एक बार पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ, हमने पासवर्ड रखा था ये। ठीक है, अभी तो हो जाना चाहिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी इस आईडी को हम अनलॉक करेंगे, अभी इसको लॉक अनलॉक करेंगे SP_lock login, ये दोनों में कमांड सेम ही है लॉक लॉगिन। उसके बाद इधर हमें मेंशन करना है आईडी SAP SA, उसके बाद हमें क्या करना है, अनलॉक करना है, तो लिखना है अनलॉक गो। अभी आपका अकाउंट अनलॉक्ड हो गया। ठीक है, अभी आप इधर स्टेटस में देखिए, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेटस है लॉक्ड नो। ठीक है, अभी हम एग्जिट हो जाएंगे और उस आईडी से लॉगिन करेंगे। ठीक है, यही था ना हमारा आईडी, भी एंटर करेंगे, हो गया लॉक अनलॉक। तो ऐसे ही आप आईडी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो आज मैंने आपको बताया कि आईडी को कैसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आईडी का पासवर्ड कैसे रिसेट कर सकते हैं,
आईडी की इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें कौन कौन से ऑथराइजेशन रूल्स अवेलेबल है, उसका पासवर्ड अगर है तो कब चेंज हुआ था वो बताएगा, किसने चेंज किया था या किसने आईडी लॉक किया था वो भी बताएगा, उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको इस बेसिक कमांड से मिलेगी। और दूसरा कि आपको लास्ट में ये भी बताया मैंने कि इसमें कितने यूज़र अवेलेबल है। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बहुत सारी ऑपरेशंस रहते हैं। मैं आपको सारे कमांड्स तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप उसको R&D कर करके सीख सकते हो, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स है। तो बेसिक स्टेप्स अगर आपको आता है तो आपको ईजी रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों के साथ बताइएगा तो दूसरे लोग भी सीख सके, क्योंकि यही चीज़ का आप अगर कोई और जगह जाओगे तो आपको शायद पैसे देने पड़ेंगे, इधर मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो आप उसका हेल्प लीजिए, बेनिफिट लीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। थैंक यू।